नमस्कार दोस्तों, शॉटगन की नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज आपको 12 बोर साइड बाय साइड शॉटगन दिखाएंगे जो है मेड इन जर्मन। यह है दोस्तों जर्मन में बनी एक साइड बाय साइड 12 बोर शॉटगन, हैमरलेस गन है। ये गन की कंडीशन अच्छी है, देखने में सुंदर गन है। ये वुडन स्टॉक है, हैंड गार्ड पे चेकरिंग है, स्लिंग लगाने के लिए क्लिप लगे हुए हैं। और ये टॉप व्यू है गन का, यहाँ दोनों बैरल्स पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है और रिब पर भी नाम लिखा है। ये टॉप व्यू देख रहे हैं आप, और यहाँ देखें तो रिब पर लिखा है सिम्पसन एंड कंपनी SAG, आगे भी कुछ लिखा हुआ है, तो मैन्युफैक्चरर के बारे में बैरल के ऊपर लिखा हुआ है। और ये नीचे से देखने पर गन इस प्रकार की दिखती है, ये बॉटम व्यू है गन का। ये ईगल का निशान देख रहे हैं, जिसका मतलब ये जर्मनी के सरकारी मानकों पर खरी उतरती है गन ये। अब जरा मैं इस गन को खोल कर देखता हूँ, या मैंने हैंड गार्ड हटाया गन का। और यहाँ बैरल के किनारे पर पढ़ सकते हैं मेड इन जर्मनी। बैरल पे चोक के बारे में नहीं लिखा है, हालांकि नाइट्रो प्रूफ है ये लिखा है। और ये अंदर से बैरल इस प्रकार की है, चमचमाती हुई। जरा बैरल की लंबाई नाप लेते हैं, लगभग 29.5 इंच, 29.25 इंच के लगभग बैरल है इसकी। और गन की पूरी लंबाई 46 इंचज़ है। और अगर वज़न की बात करें तो लाइट वेट है 3 किलो 100 ग्राम। तो ये है दोस्तों मेरे हाथ में एक लाइट वेट 12 बोर शॉट गन जो कि जर्मनी में बनी है। यहाँ हम पढ़ेंगे स्टैशियल ज्यूहल लॉफ्थल। मेरी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ी फर्क हो, अलग हो। स्पेशल ज्वेल लॉफ्थल सिम्पसन एंड कंपनी, और यहाँ लिखा है मेड इन जर्मनी। और ये एक ईगल बना हुआ है इस पे, बहुत ही अच्छी इंग्रेविंग है, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में गन है ये। सब जगह इसमें इंग्रेविंग है, जैसे यहाँ भी हम इंग्रेविंग देख सकते हैं जो मेटल पार्ट है इसके। और रिब थोड़ी सी उभरी हुई है इसकी, लगभग 29.5 इंच बैरल लेंथ है इसकी। और ये बट पैड देखें हम, ये भी ओरिजिनल है इसमें, और नॉन इजेक्टर है ये गन। जैसे मैंने दो ये डमी कारतूस डाले इसमें, और यहाँ पर ये सेफ है लिखा है आगे, जैसे नॉर्मली हैमरलेस गन्स में होता है। हैमरलेस है तो सेफ्टी ऑटो है, ये मैंने सेफ्टी हटाई और ये फायर किया, और ये नॉन इजेक्टर गन है। और क्रॉस बोल्ट लॉक है, ये क्रॉस बोल्ट लॉक, और साथ में इंडिकेटर पिन्स हैं दोनों साइड इसमें। तो जरा इन पिन्स का भी हम देखते हैं, जब हम गन को खोलते हैं और फिर बंद करते हैं पिन्स बाहर को आ जाती हैं। ये देखो, ये पिन बाहर को आ गई है। वैसे ये दो ब्रास की पिन्स हैं, ये ब्रास कलर की, तो ये बता रही हैं कि कौन सी बैरल फायर के लिए हमारी रेडी है, किसमें लाइव कारतूस हैं। तो जब मैंने ये सेफ्टी हटाई तो पहले मैं राइट साइड का ट्रिगर दबा रहा हूँ तो ये पिन अंदर चली गई। और अब इस साइड पे देखेंगे, ये वाली पिन को ध्यान देंगे आप जरा, ये मैंने लेफ्ट साइड का ट्रिगर दबाया तो ये पिन अंदर चली गई। तो इससे पता लगता है कि ये कारतूस फायर हो चुके हैं। और जैसे ही हम इसको खोलते हैं और
नए कारतूस डाल के फिर से बंद करेंगे तो पिन ये बाहर आ जाएंगी। अब मैंने एक बार जो है सेफ्टी इसमें हटा दी और फिर मैं इस गन को खोलता हूँ तो सेफ्टी खुद ही पीछे हट गई, तो ऑटो सेफ है गन। ये चोक एक बैरल इसकी चोक होगी, लेकिन आज गेज नहीं है हमारे पास तो मैं बता नहीं सकता एग्जैक्ट कितनी चोक है। लेफ्ट बैरल जो है ये लेफ्ट बैरल यहाँ यहीं से हम देखें तो थिकनेस ज़्यादा लग रही है इसकी, तो ये बैरल चोक है लेफ्ट बैरल थोड़ी इसकी। सब हर पार्ट से इंग्रेविंग बहुत बढ़िया है इससे, जैसे ये जो हम इसका लीवर है यहाँ पर भी चेकरिंग की तरह है यहाँ भी, ताकि ये स्लिप ना करे इसको खोलते समय हाथ, और सब जगह इंग्रेव्ड है, बहुत ही सुंदर इंग्रेविंग हुई है इस पर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो मेड इन जर्मन शॉटगन पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, आज के लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।